महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन। आप सभी को जो है पता है कि हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे जो है रोगी हैं जिनके अंदर शुगर को कैटाबोलाइज करने की क्षमता नहीं होती है और उनको हम जो है डायबिटिक पेशेंट्स कहते हैं। ये डायबिटिक पेशेंट्स जो है वो शुरू में इनको इंसुलिन का जो इंजेक्शन देना पड़ता था और वो इंजेक्शन हमें जो है प्राप्त होता था कहाँ से, जो स्लाटर हाउसेस थे जहाँ पे पशु जो है वध होता था वहाँ से काऊ और पिग का पैनक्रियाटिक जो है सेल्स ले करके हम वहाँ से इंसुलिन को प्राप्त करते थे और उन्हें इन पेशेंट्स के अंदर जो है इनकॉर्पोरेट कराया जाता था इंजेक्शन के थ्रू और वो उससे फिर जो है इंसुलिन का प्रोडक्शन करते थे और कैटाबोलिक एक्टिविटी उनके अंदर जो है ग्लूकोज की होती थी। लेकिन स्लाटर हाउस से जो प्राप्त होता था इंसुलिन उसके साथ कुछ दिक्कतें थी। होता क्या था कि कुछ पेशेंट्स के अंदर ये एलर्जी क्रिएट करते थे या किसी दूसरे तरह के भी रिएक्शंस क्रिएट करते थे। क्यों रिएक्शन क्रिएट करते थे? क्योंकि इनके अंदर जो एंटीजेंस हैं वो जब ह्यूमन बीइंग के अंदर इनकॉर्पोरेट किए जाते थे तो उनके अगेंस्ट में जो ह्यूमन बीइंग की बॉडी थी वो एंटीबॉडी बना देते थे। ऐसा इसलिए होता था कि जो एंटीजन संरचना पशुओं की है उससे मनुष्य की एंटीजन संरचना थोड़ी भिन्न होती है, तो कभी कभी ऐसा हो जाता था। तो इस जो है स्थिति को दूर करने के लिए यदि हम इस रिकॉम्बिनेंट जो है इंसुलिन को तैयार कर लें। रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन का मतलब क्या है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बनाया हुआ इंसुलिन। तो उससे हम उसके जो साइड इफेक्ट थे उससे जो है बच जाते हैं, उनसे जो है हम बच जाएंगे और इनका जो है हम इस्तेमाल या तो फिर जो है डायरेक्टली जो है वो इसके जीन्स को जो पेशेंट है उसके अंदर इनकॉर्पोरेट करके ले सकते हैं या फिर इस जो है टेक्नोलॉजी की मदद से इंसुलिन का जो है प्रोडक्शन बढ़ा करके ज्यादा से ज्यादा मात्रा में इंसुलिन जो है पैदा करके हम जो है ज्यादा से ज्यादा पेशेंट्स को जो है ट्रीट कर सकते हैं। तो इंसुलिन को बनाने से पहले, उसका रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन तैयार करने से पहले हमें इंसुलिन के बारे में कुछ जानकारी लेनी आवश्यक होगी और वो ये कि इंसुलिन है क्या। तो ये इंसुलिन क्या है? ये जो है पॉलीपेप्टाइड हार्मोन्स हैं, पॉलीपेप्टाइड हार्मोन्स हैं, पॉलीपेप्टाइड हार्मोन्स हैं और ये बनते कहाँ हैं? ये बीटा सेल से बनते हैं, इज लेंथ ऑफ लैंगर हैंस ऑफ पैनक्रियाज। तो पहली चीज ये हो गई कि ये इंसुलिन है क्या। इंसुलिन पॉलीपेप्टाइड हार्मोन्स हैं जिनका निर्माण कहाँ होता है? बीटा सेल्स जो इज लैंड्स ऑफ लैंगर हैंस की हैं पैनक्रियाज के अंदर, उनके अंदर ये जो है बनते हैं। अब दूसरी बात ये होती है कि ये किस तरह की संरचना रखते हैं। तो अगर हम इंसुलिन को देखें तो इसके अंदर दो जो है पॉलीपेप्टाइड चेन हमें जो है प्राप्त होती है। ये दो पॉलीपेप्टाइड चेन के जो है बने होते हैं और ये पॉलीपेप्टाइड चेन ए और बी के नाम से जो है जानी जाती है। ये पॉलीपेप्टाइड चेन ए और बी के नाम से जो है जानी जाती हैं,
जो कि एक दूसरे से सल्फाइट डाइसल्फाइड बांड से जुड़ती हैं। ये जो है, अगर हम जो है स्ट्रक्चर इंसुलिन का देखें तो इसके अंदर हमको जो है दो चेन देखने को मिलती है पॉलीपेप्टाइड की। इसको जो है कहते हैं पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड पेप्टाइड चेन ए, और इसको कहते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन टाइट चेन बी। जो है ये पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर जो है 21 एमिनो एसिड्स होते हैं, एमिनो एसिड्स हैं, जबकि बी के अंदर जो है 30 एमिनो एसिड्स हैं। और ये जो है इंसुलिन, वो नेचर में मनुष्य के शरीर में या जीवधारियों में वो इंसुलिन के फॉर्म में सिंथेसाइज नहीं होता है, बल्कि ये उस के अंदर जो है वो एक प्रिकर्सर के रूप में जो है तैयार होता है, जिसको हम प्रो इंसुलिन्स के नाम से जानते हैं। तो अगर उसको हम जो है देखें, तो हम अगर यहाँ थोड़ा सा इसके अंदर जो है परिवर्तन कर दें, तो वो जो है हमें जो स्टैंड्स मिलेगा वो ये जो है हो गया हमारा क्या, प्रो इंसुलिन। प्रो इंसुलिन मतलब जो है इसके अंदर जो है एक तीसरा जो है सी पेप्टाइड, पेप्टाइड जो है चेन आ जाती है। तो कहने का मतलब है कि इंसुलिन जो है बॉडी के अंदर वो प्योर फॉर्म में इंसुलिन के रूप में नहीं होता है, बल्कि इसके जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं वो जो है एक तीसरे स्ट्रैंड से जुड़े होते हैं, जिनको हम सी पेप्टाइड चेन कहते हैं, और वो जो है प्रो इंसुलिन होता है। तो यहाँ पे एक चीज ये समझ लीजिए कि जो है जो भी इंसुलिन शरीर के अंदर सिंथेसाइज होते हैं वो प्रो इंसुलिन फार्म के अंदर होते हैं, और इनको जो है हम इनएक्टिव इंसुलिन्स के नाम से भी जानते हैं। ये एक्टिव तब होंगे जब शरीर के अंदर जो ब्लड है उसके अंदर जो है कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा ज्यादा होगी, तो वो जो इन स्टिमुलेशन जो है इनको मिलता है। तो ये प्रो इंसुलिन क्या है, वो इंसुलिन के अंदर जो है कन्वर्ट होकर के इंसुलिन के अंदर जो है कन्वर्ट हो जाते हैं, और ये इंसुलिन जो है लीवर सेल्स को और जो मसल सेल्स हैं उनको जो है गाइड करता है कि उस कार्बोहाइड्रेट्स को, उस जो है ग्लूकोज को वो एक्यूमुलेट करें और उनका जो है डिसइंटीग्रेशन करें। तो इस तरह से जो है ये कैटाबोलिक एक्टिविटी जो है इंसुलिन की जो है परफॉर्म होती है। तो यहाँ पे आपने समझ लिया कि जो इंसुलिन है उसके अंदर जो है दो जो है एमिनो एसिड्स, सॉरी पॉलीपेप्टाइड चेन है, चेन ए जो कि 21 एमिनो एसिड्स की होती है, दूसरी जो चेन है वो पॉलीपेप्टाइड चेन बी है जो कि 30 एमिनो एसिड्स जो है लंबी होती है। ये दोनों स्ट्रैंड्स आपस में जो है डाइसल्फाइड बांड्स के द्वारा जुड़े होते हैं, लेकिन जब ये जो है
प्रिकर्सर के रूप में होता है, प्रो इंसुलिन के रूप में होता है, तो एक अतिरिक्त जो है पॉलीपेप्टाइड चेन होती है जो जिसको हम जो है सी पेप्टाइड चेन कहते हैं। इसके अंदर करीब 35 एमिनो एसिड जो है होते हैं, उनसे जो है ये जुड़ी होती है, जिसके बारे में अभी हमने बताया। ये तो जो है संरचना के बारे में बात हो गई कि इंसुलिन की जो है संरचना क्या है। अब जो महत्वपूर्ण बात है कि हम इससे रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन जो है कैसे प्राप्त करें, ताकि जो है हम सेफ्टी के साथ ज्यादा से ज्यादा जो है इलाज पेशेंट्स का जो है कर सकें। उसके लिए सबसे पहले जो तरीके अपनाए जाते हैं रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी के तरीके, जिसमें आपको मैंने पहले भी जो है बता दिया है, लेकिन समझिए यहाँ पे कि ये किस तरह का होता है। सबसे पहले जो है रैट से जो है हम क्या करते हैं, जीन निकालते हैं। ये जीन रैट का है और इससे फिर हम क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए प्राप्त करते हैं। ये कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए जो है बन गया किससे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम क्या करता है, इस जीन को जो है कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए के अंदर जो है बदल देता है। दूसरी तरफ अब क्या, जब कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए हमको मिल गया तो हम क्या करते हैं, एक वेक्टर्स की हमें आवश्यकता पड़ती है। आप जानते हैं हमने जब आपको जो है बताया था रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, तो उसमें जो है मैंने आपको बताया था ये जो वेक्टर्स हैं, यहाँ एक खास बात ध्यान रखना है, ये वेक्टर जो है इस चेरेचिया कोलाई 1776 से जो है प्राप्त करना है, उसी को जो है हम लेकर के चलते हैं। अब इसके बाद जो है हमने इसको क्या किया, इसको जो है दोनों को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट कराया। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने क्या किया जो है, इसको जो है स्टिकी एंड के अंदर जो है कन्वर्ट कर दिया, स्टिकी स्टिकी एंड के अंदर जो है इसको कन्वर्ट कर दिया। अब इसको जो है दोनों को हमने क्या किया, जोड़ दिया डीएनए लाइगेज से। आप इनसे पहले से भी परिचित हैं लाइगेज। यहां ध्यान ये रखना है कि यहां पे जो है लाइगेज लिया जाता है वो T4 का लाइगेज लिया जाता है। तो ये क्या होगा, अब ये दोनों जो है आपस में जुड़ जाएंगे। आपस में जुड़ जाते हैं और जो रिजल्टेंट प्राप्त होता है हमें वो जो है बनता क्या है, ये हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए हो गया। अब इसको हम क्या करते हैं, एक बैक्टीरियल सेल के अंदर इनकॉर्पोरेट करते हैं। बैक्टीरियल सेल के अंदर जो है इसको इनकॉर्पोरेट कराया जाता है और उसके लिए हमने आपको पहले ही
बता रखा है कि कैसे होता है। इसको हम जो है पेपिटेंट सेल बनाते हैं, कैल्शियम क्लोराइड का जो है सोल्यूशन है उसके अंदर इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को जो है ट्रांसफर कर देते हैं। वहां पे ये थोड़ा सा कोल्ड टेम्परेचर रहता है, तापमान थोड़ा कम रहता है, और उसके बाद फिर उसको जो है थोड़ा सा हाई टेम्परेचर देते हैं, करीब जो है 37 to 45 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर जो है वहां पे क्रिएट किया जाता है। उसकी वजह से क्या हो जाता है, ये बैक्टीरियल सेल्स की वाल जो है वो जो है पोरस हो जाती है और ये जो है इसके अंदर ट्रांसफार्म हो जाते हैं। प्रक्रिया पहले भी आप जो है जान चुके हैं। अब ये क्या है कि ये जो है इसको जो है कल्चर मीडियम में ट्रांसफर कर देते हैं, जहां पे ये क्या करेगा जो है बहुत सारे अपने जो है क्लोन्स तैयार कर लेगा, बहुत सारे क्लोन्स जो है तैयार कर लेता है, और इन क्लोन्स का इस्तेमाल जो है होता है क्या, किस लिए जो है, ये इंसुलिन प्रोडक्शन के लिए। तो ये बेसिक टेक्निक है जिसका जो है इस्तेमाल नेचुरल कंडीशंस के अंदर जो है होता है। लेकिन इटापुरा जो है एक साइंटिस्ट है, इटापुरा, इन्होंने 1977 में दो पॉलीपेप्टाइड चेन ए और बी जो है इन्होंने केमिकली सिंथेसाइज की। तो इनके लिए फिर जो है ये क्या है, इस रैट का ये इसका कोई मतलब नहीं था। अब इन्होंने क्या किया कि जो है एक जो है लिया पॉलीपेप्टाइड चेन का जीन, यहां से जो है सॉरी इन्होंने जो केमिकली जो सिंथेसाइज किया था डीएनए, वो पॉलीपेप्टाइड ए को प्रोड्यूस करने के लिए जिम्मेदार था और पॉलीपेप्टाइड चेन बी को भी जो है सिंथेसाइज करने का के लिए जिम्मेदार था। तो ये दोनों जो है इन्होंने यहाँ पे जो है अलग अलग चेन्स को जो है इन्होंने लिया, जीन्स को, और इस जीन्स को जिस तरह से रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी काम करती है उसमें इन्होंने क्या किया कि इसको जो है अलग अलग जो है एस्केरिचिया कोलाई को लिया, एस्केरिचिया कोलाई के जो है जो वेक्टर्स हैं, प्लाज्मिड्स हैं, उनको जो है लिया, जिसका जो है नाम से आप सभी लोग जो है परिचित हैं, PBR 322। इसमें आप जानते हैं कि जो संरचना है, यहां पे इन्होंने क्या किया, जो जीन ग्लैटोसाइडेज है, जैसे ये एम्पीसिलिन के लिए यहाँ पे मान लीजिए है, यहाँ ग्लैटोसाइडेज के लिए ये जीन था, उसी के पास में इन्होंने जो है इसको क्या किया, इनकॉर्पोरेट करा दिया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, इसके अंदर जो है ये करा दिया, और इन्होंने भी जो है कि इसमें भी इन्होंने क्या किया, यहाँ पे जो है इन्होंने इसको, ये है बीटा ग्लैक्टोसाइडेज जो है साइट, उसके बगल में इन्होंने इसको जो है इनकॉर्पोरेट करा दिया, और फिर जो है इसको बैक्टीरिया के अंदर जो है इन्होंने Cl3 से जो है बैक्टीरिया के अंदर क्या कराया, इनकॉर्पोरेट करा दिया जो है, इसको अलग अलग ही कर लें क्योंकि समझने में आसानी रहेगी। तो जो है दोनों तरह के
डीएनए, इसके अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए आ गए, यहाँ पे यहाँ ये जो है चेन ए, और यहाँ पे चेन बी के लिए। अब ये क्या करेंगे, अपने प्रतिरूप तैयार करेंगे, यहाँ पे क्लोन तैयार करते हैं। बहुत सारे क्लोन तैयार हो जाते हैं, बहुत सारे जो है इसके क्लोन्स तैयार हो जाते हैं। बहुत सारे क्लोन इसके तैयार हो जाते हैं, इसके भी तैयार हो जाते हैं। ये यहाँ पे इसके भी क्लोन तैयार हो गए। अब इनको जो है क्या कर दिया जाता है, इनको यहां से आइसोलेट करने की प्रक्रिया होती है। तो इसको हम जो है CNBR, साइनोजेन ब्रोमाइड का इस्तेमाल करते हैं। साइनोजेन बीआर ब्रोमाइड। तो अब ये क्या होता है कि ये जो हैं स्ट्रैंड, ये जो है यहाँ पे आ जाते हैं, और ये स्ट्रैंड यहाँ पे आ गया, ये प्राप्त हो गया हमें। इसके अंदर कोई अगर इम्प्योरिटीज होती है तो उसकी प्रोसेसिंग कर ली जाती है, उसको जो है अलग कर लिया जाता है। अब फिर इसको जो है क्या करते हैं, इन दोनों स्ट्रैंड्स को डाइसल्फाइड बांड से जो है जोड़ लेते हैं। तो जोड़ने का जो कार्य है, ये जैसे सपोज दैट कि ये जो है एक है और दूसरा जो स्ट्रैंड है हमारा बी स्ट्रैंड, इसको जो है इस तरह से जो है जोड़ लेते हैं। दोनों जो है विट्रो में इस प्रक्रिया से जो है एक इंसुलिन जो है बन जाता है। तो ये जो डाइसल्फाइड बांड से जोड़ने की जो प्रक्रिया है, इसके लिए हमको डाइसल्फोनेट्स की आवश्यकता पड़ती है। डाइसल्फोनेट, और इसके साथ साथ जो है इसके लिए हमको सोडियम सल्फाइड्स की आवश्यकता पड़ती है। सोडियम सल्फाइड, और इसकी वजह से जो है ये क्या है, डाइसल्फाइड्स जो है बन जाते हैं। और ये इस्टीमेट सैमसन के द्वारा किया गया है, सैमसन के द्वारा जो है, कि प्रत्येक जो है ये आपका जो 10 mg के लगभग जो है 10 mg पर 24 ग्राम जो है सेल कल्चर अगर हम लेते हैं, तो उसके अंदर 10 जो है मिलीग्राम जो इंसुलिन है उसकी मात्रा जो है वो प्राप्त होती है। तो इस तरह से ये जेनेटिकली इंजीनियर्ड जो इंसुलिन है वो तैयार हो जाते हैं। इनकी जो है डिफरेंट नेम से जो है मार्केटिंग जो है हो जाती है। सबसे पहले एक यूरोपियन कंपनी जो है इली
इली ली ली ने जो है ह्यूमन हार्मोन को ह्यूमुलिन के नाम से मार्केट में जो है उतारा।